सब्सक्राइब कर दीजिए ग्राहक पॉइंट को और बेल आइकन को दबाइए इसी तरह के ग्राहक से जुड़े वीडियोस देखने के लिए। हेलो गाइस, ग्राहक पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित बर्मन। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करूंगा एसर का ये प्रोजेक्टर। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये इसका जो मॉडल है वो एसर है, एसर एक्स 1123 HP DLP प्रोजेक्टर AIL। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका मॉडल नंबर है ASP1904। तो ये कुछ लंबा सा है, ऐसा DLP प्रोजेक्टर बोलने से हो जाता है। तो ये इसका जो प्राइस है वो फ्लिपकार्ट पे अभी अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन प्राइस जो उसका 26,500 दिखा रहा है, तो 26,500 करीब दिखा रहा है। तो ये प्रोजेक्टर आप एज अ TV भी यूज़ कर सकते हैं और भी जितने भी ऑफिस के काम हैं वो भी कर सकते हैं आप। तो चलिए इसको हम लोग खोल कर देख लेते हैं, बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बाद में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का बॉक्स आपको देखने को मिलता है, तो और यहाँ पर साइड में कुछ नहीं है। तो चलिए खोल लेते हैं इसको। तो गाइस, यहाँ पर मैंने इसको पहले ही खोल लिया था, तो इसलिए अभी खोलने पर भी आपको एक थोड़ा सा जो ब्रांड न्यू जैसे देखें उससे नहीं दिखेगा, लेकिन जो भी मैंने जितना हो सके जैसे पैकिंग था वैसे ही रखने का कोशिश किया है। तो यहाँ पर कुछ पैकिंग थोड़ा सा अलग होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी तरह के कोड है, पावर केबल है और रिमोट वगैरह जितना भी यहाँ पर है, और यहाँ पर एक, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर मिलता है और बॉक्स के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स है, यूज़र गाइड वगैरह, तो ये कुछ मिल जाता है। बाकी बॉक्स खाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर यूज़र गाइड में यहाँ पर क्विक स्टार्ट गाइड है, तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके रख सकते हैं और यहाँ पर जितना भी मैनुअल जो भी है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख ही सकते हैं कि यहाँ पर USB से कनेक्ट कर सकते हैं आप इसको, ये जो छोटा वाला USB है उससे कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो है आप इसको RCA केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर VGA केबल होगा, VGA केबल से फिर यहाँ पर इनपुट होगा। देख सकते हैं आप कितने तरह के डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह काम करता है, सोर्स का बटन कहाँ है और किस तरह आपको एडजस्ट करना होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है इसके लेंस को। तो ये कुछ इस तरह का यूज़र मैनुअल है, क्विक स्टार्ट गाइड, और ये है एक छोटा सा बुकलेट, और ये रहा हमारा प्रोजेक्टर, और ये रहा हमारा केबल्स। तो हम लोग केबल्स में देख लेते हैं क्या क्या केबल्स मिल जाता है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये VGA केबल मिल जाता है, VGA to VGA केबल। उसके बाद यहाँ पर हमें ये रिमोट, और यहाँ पर दो केबल है, ये है आपका पावर केबल और ये HDMI to HDMI केबल। तो ये कुछ तीन केबल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर एक रिमोट है, और यहाँ पर एक बैटरी भी दिया गया है, तो यहाँ पर एक बैटरी सेट भी दिया है। तो ये कुछ रिमोट है, और यहाँ पर जो है बैटरी जो है छोटा वाला लगता है, 3A वाला। तो इन सबको साइड करते हैं और हम अपने प्रोजेक्टर को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्टर एसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो लेंस है वो इस तरह आगे की ओर है, और यहाँ पर एसर का ब्रांडिंग देख सकते हैं, और ये इसका ढक्कन है लेंस का, और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसके लेंस को, और इससे आप क्लियर या अनक्लियर, मतलब तो इससे क्लियर कर सकते हैं आप, एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारा बटन मिल जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर पावर बटन है सबसे पहले, और लैम्प का बटन है, और यहाँ पर जितने भी तरह का जो अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट और एंटर का बटन, बैक बटन, यहाँ पर मेन्यू बटन, और यहाँ पर सोर्स बटन दिखता है। तो ये तीन लाइट जो है एक टेम्परेचर दिखाता है, एक लैम्प दिखाता है, और एक पावर का दिखाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का बटन्स है, और यहाँ पर हम साइड में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी एग्जॉस्ट है सो गर्म हवा वगैरह निकालने के लिए। और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर सब पोर्ट से, यहाँ पर ऑडियो इन है, ऑडियो आउट है, और यहाँ पर आप इसको ऑडियो आउट में स्पीकर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है HDMI पोर्ट है, और ये VGA पोर्ट, और ये दो VGA पोर्ट है, और ये दो VGA पोर्ट, एक आउट है और एक है RC2342, ये इसका कुछ आइडिया नहीं, इसको गाइड में देखना होगा। और यहाँ पर भी USB कंट्रोल, मतलब यहाँ से भी आप इसको चला सकते हैं, ये भी एक USB पोर्ट है, और यहाँ पर जो है वीडियो पोर्ट, RCA पोर्ट जो होता है वो है वीडियो के लिए सिर्फ। और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर पावर पोर्ट है, यहाँ पर पावर कोड लगेगा। तो यहाँ पर नीचे और
देख सकते हैं नीचे में कुछ नहीं है, नीचे में आपको यहाँ पर मॉडल नंबर और जो कितना वाट का इनपुट लेता है वगैरह लिखा हुआ है, सीरियल नंबर वगैरह, तो ये कुछ है इस तरह का है। तो चलिए इसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं, लगा कर देख लेते हैं, और आपका इसको इसका स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। तो ये कुछ इसका स्पेसिफिकेशन है, इसको चला कर देख लेते हैं किस तरह चलता है, किस तरह काम करता है। हम यहाँ पर सभी कोड को यूज़ करने का कोशिश करेंगे, और ये वायरलेस है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। सो चलिए, सो गाइस हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पावर सोर्स दे दिया है। तो यहाँ से पावर सोर्स दे दिया है, और यहाँ पर हमने एक HDMI केबल अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया है, और यहाँ पर ऑडियो का सोर्स यहाँ से आपको लैपटॉप से ही देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑडियो का इनपुट मतलब यहाँ स्पीकर नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पर सिर्फ पावर बटन ऑन करने का ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सेटिंग अगर मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, और यहाँ से आप इसका जो है फोकस मिला सकते हैं। और यहाँ पर जो है गैस, यहाँ पर आपको आपका कंप्यूटर में कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे आपका जो HDMI जो है उसको आप प्लग इन करेंगे तो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, और आपका उस वो जो है लैपटॉप में HDMI सोर्स से आप HDMI सिलेक्ट करेंगे सोर्स से HDMI, जिस टीवी में हम लोग HDMI AV1 इस तरह सेलेक्ट करते हैं, इस तरह आपको इससे आपको HDMI सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है लैपटॉप को एक ब्लूटूथ स्पीकर से जो कि वहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पर ब्लूटूथ स्पीकर से हमने लगाया है। चाहे तो आप यहाँ से, यहाँ पर जो 3.5mm का जैक है लैपटॉप से, आप उसमें इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट को आपको वहाँ से ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इसको यहाँ से ही आउटपुट मतलब इनपुट को मतलब जो भी स्पीकर होगा आप लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये करके उसके बाद यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने एक मूवी लगाया है, नया मूवी है, और यहाँ पर हमारा जो है ये इस तरह से काम कर रहा है। और यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आपका जो वॉल है वो वॉल या फिर जो भी आप पेपर लगाएंगे, थिएटर वाला पेपर जो होता है, प्रोजेक्टर का पेपर जो होता है वो लगाएंगे, वो वाइट होना चाहिए, तभी जाके बढ़िया से दिखेगा आपको। काफ़ी अच्छा क्वालिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं, Full HD है यहाँ पर क्वालिटी, जो काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, और ये हमारा फिल्म चल रहा है देख सकते हैं। सो गाइस आज का वीडियो ये था, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर मुझे फॉलो कर दीजिएगा। अगर आपको इसको लेना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा गाइस। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।